नमस्कार। अप्रैल 2020 के लिए मकर राशि के महानुभावों का मासिक राशिफल किस तरह की गतिविधियां सामने लेकर आ रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर हम आप सभी के सम्मुख हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्रम के साथ, प्रत्येक भाव के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां क्या कह रही है और जीवन के ऊपर किस तरह के फलाफल आ सकते हैं, ये भी हम यहां पर डिस्कशन करते चले जाएंगे। तो सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं, चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं। जहां आप 10 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, मकर राशि स्थान है, वहीं शनिदेव 24 जनवरी के बाद से ही राशि स्थान में विराजमान। सेकंड हाउस की लॉर्डशिप और राशि स्थान की लॉर्डशिप के अधिपति यहां राशि स्थान में ही, और ये स्थिति शनिदेव की जो 7.5 का द्वितीय अंतराल होता है उसको लेकर गमनशील है। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति 29 मार्च 2020 के बाद से ही मूल त्रिकोण स्थान से निकलकर यहां अतिचारी होकर राशि स्थान में विराजमान रहेंगे। 22 मार्च एक ऐसी तारीख जहां पर ग्रहों में सेनापति मंगल राशि स्थान में ही विराजित, और वो भी उच्चस्थ अर्थात चंद्रदेव का राशि स्थान, और वहां मंगल उच्चस्थ स्थितियों में विराजित हो गए। तो दो शत्रु ग्रह दोनों ही पावरफुल पोजिशंस के अंदर, दो मित्र ग्रह है, और साथ ही साथ में आप देखिए कि एक तरह से दो समग्रह की स्थितियां भी राशि स्थान में ही रहने वाली है। वहीं आप देखें कि अगर हम पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो 7 अप्रैल से 24 अप्रैल तक का समय ऐसा रहेगा जहां बुध नीचस्थ स्थितियों में प्रवाहमान रहने वाले रहेंगे। ये एक पोजीशन है, और जहां पर 7 से 13 अप्रैल तक का समय अंतराल ऐसा भी रहेगा जहां पर सूर्यदेव का और बुध का बुधादित्य योग भी बनता हुआ दिखाई देगा। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति। तो वहीं आप देखें के काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय स्थान के भीतर चतुर्थ भाव में सूर्य उच्चस्थ स्थितियों में विराजमान है, और 13 अप्रैल से लगभग 30 अप्रैल, क्योंकि हम 1 से 30 अप्रैल तक के राशिफल की गणना कर रहे हैं, सूर्यदेव की स्थितियां यहीं पर बनी रहेंगी। पंचम भाव में शुक्र स्वराशि स्थितियों के भीतर विराजमान रहने वाले रहेंगे। यहां एक तथ्यात्मक स्थिति और है कि द्वितीय त्रिकोण के भीतर शुक्र पूरे ही माह स्वराशि स्थान में, तो वहीं पर 6th हाउस की पोजीशन में राहु विराजित और केतु द्वादश भाव में, मोक्ष कारक ग्रह जब अकेले विराजित रहेंगे और उच्चस्थ रहेंगे तो इनके फलाफल की गणनाओं को देखना भी अत्यधिक आवश्यक यहां पर रहेगा। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं यहां राशि स्थान के साथ में। यहां आपको सेल्फ मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट लगातार रहेगी, और उसमें मंगल बहुत अच्छे से व्यक्ति विशेष को आगे लेकर चलने वाले होते हैं। जहां पर भी एक नैराश्य पनपता है, क्योंकि 7.5 का मिडिल फेज है, स्ट्रगल्स आते हैं, व्यक्ति ये तो जान पाता है कि मेरे को कामकाज किस तरह करना है, किंतु जो बारंबार स्ट्रगल्स की पोजिशन होती है वो आती है, किंतु आप सेल्फ मोटिवेशन के साथ में चलने का प्रथम दृष्टिगोचर स्तर पर प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पर आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति जब यहां नीचस्थ विराजमान हो जाए और वो भी राशि स्थान हो, 3-11 का संबंध इनका पराक्रम भाव से जब बन रहा हो स्वयं के राशि स्थान से, तो व्यक्ति अपना पराक्रम बहुत अच्छे से नहीं दिखा पाता। नौकरी पेशा जीवन के अंदर एक अज्ञात भय बार बार निकल कर आता है, वो अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर चलने में इतना सक्षम नहीं हो पाता, किंतु जो आपकी पुरानी लॉयल पोजीशंस रही है, जो आपने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपनी जो कोर रेस्पॉन्सिबिलिटी जॉब में रहती है उसको लेकर चलते हुए जो एक तरह से लॉयल्टी हासिल की थी, उसका बेनिफिट यहां पर मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। ये एक महत्वपूर्ण बात। तो वहीं पर जो व्यापारिक स्तर होता है वहां आपको साझेदारियों के साथ में, बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहकर चलने की दरकार रहेगी ही रहेगी। संतान पक्ष अगर व्यापार में संलग्न है तो उनको एक तरह से बागडोर देना और उनके साथ में बहुत अच्छे से सामंजस्य स्थापित करके कामकाज को आगे बढ़ाना, यह भी समय की एक प्रमुख तथ्यात्मक स्थिति आपके समक्ष रहने वाली है, ये आप स्मृतियों में रखकर चलिएगा। तो वहीं पर शनिदेव कई बार व्यक्ति को एक तरह से ईगोइस्टिक अप्रोच को देने वाले होते हैं, भले ही हम संघर्ष कर रहे हैं किंतु इन संघर्षों के साथ में चलते हुए भी जो हमारी अप्रोच है वो अलग तरीके से बनी रहती है, थोड़ा सा झुककर चलने का भी यहां आपको निरंतर तौर पर प्रयास करना चाहिए। और जो भी कामकाज सामने आ रहा है वहां एडामेंसी आप बिल्कुल भी नहीं दिखाएं या उसको कल पर
टालने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। कई बार व्यक्ति के लिए भाग्य की स्थितियां प्रबलता के साथ में होती है, समय सार्थक होता है, एक फ्लॉलेस अप्रोच के साथ में लेकर चल रहा होता है, किंतु जब शनिदेव दसवीं दृष्टि से दशम भाव को देखने वाले हो जाते हैं तो यहां कामकाज में कई बार इमेजिनेशन के साथ उसको टालने की प्रवृत्ति भी देते हुए दिखाई देते हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर परिवर्तन की आप कोशिश नहीं करें, किंतु रियल एस्टेट के साथ में जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, इसको एक्सेप्शन कहा जा सकता है। यहां कोई भी परिवर्तन अप्रैल के मध्य अंतराल के बाद में सामने आता है तो उसकी स्वीकारोक्ति लेकर आप चलने वाले हो सकते हैं। यहां कहीं भी कोई डोराई की पोजिशंस नहीं है। वहीं अगर मैं सेकंड हाउस की चर्चा करता हूं तो आप देखिए कि लिक्विडिटी के अधिपति यहां राशि स्थान के भीतर विराजमान रहने वाले रहेंगे, तो इसी वजह से जो आपने पास्ट में अपने कामकाज को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश किया था वो बेनिफिट देकर जा सकता है। कोई भी अटका हुआ रुपया या पैसा कुटुंबीजनों के साथ में था, विशेष तौर पर मित्रों के साथ में था, पराक्रम की स्थितियां राशि स्थान के साथ में जुड़ी हुई है, वो पैसा निकलकर आने वाला हो सकता है, पुरानी जमीन फिर से बेनिफिट दे सकती है, या कोई भी ऐसी तरह से हमारे पास में रेंटल प्रॉपर्टी थी जिससे हमको मुनाफा नहीं हो पा रहा था, या मुनाफा हो भी रहा था तो उसमें गुणात्मक वृद्धि नहीं थी, ये समय उस लेवल के ऊपर आपको बेनिफिट दे सकता है। इस बात को आप स्मृतियों में रखकर चलिएगा। जो भी कामकाज मैन्युफैक्चरिंग के साथ में जुड़े होते हैं या फिर कोई भी कार्य जो सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा होता है, वहां पर भी धन लाभ की स्थितियां बेहतर तरीके से देखी जा सकती है। इस बात को आप स्मृतियों में रखकर लगातार चलते चले जाएं। वही देखें कि जो वाणी की स्थितियां हैं वहां से कोई भी वैर और विरोध नहीं पनपे, ये जानते हुए भी कि देवगुरु बृहस्पति यहां राशि स्थान में है और शनिदेव जो कि वाणी स्थान का आधिपत्य रखते हैं वो मंगल के साथ में जब विराजित रहेंगे, व्यक्ति जितना धैर्य से अगले को सुने और फिर ही अपनी बातचीत को रखने वाला हो तो ज्यादा बेहतरी रहती है उसके लिए। एक और महत्वपूर्ण बात, कुटुंबीजनों के साथ में कोई भी तनातनी अगर उनके साथ व्यापारिक जीवन जुड़ा हुआ है छोटी छोटी बातों की वजह से निकल कर नहीं आए, ये भी हम नोट करके चलने का कार्य खुद के लिए करते चले जाएं। किंतु उनके साथ में ही जो इस महीने का अंतिम अंतराल रहेगा वहां पर अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं बिजनेस के अंदर तो उस लिहाजा इस समय आपके लिए बहुत बेहतर कहा जा सकता है। क्योंकि मैंने यहां धन भाव की बात की तो सिक्स हाउस में राहु विराजमान है, निर्णायक लोन आदि की पोजीशन से बचकर चलिएगा। रीजन ये है कि बुध यहां लगभग 17 दिनों के लिए नीचस्थ स्थितियों में विराजमान रहेंगे। कर्म में इमेजिनेशन है किंतु सूर्य भी सातवीं दृष्टि से दशम भाव को देखने वाले हो गए तो यहां एक अलग तरीके की ऊर्जा भी व्यक्ति को देने का कार्य करते चले जाते हैं। पराक्रम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो फाइनेंस संबंधी फील्ड के साथ में अगर आपका जुड़ाव है तो वहां पर भाग्य का सपोर्ट रहेगा। प्रश्न ये उठता है और आप ये भी देखने वाले होंगे, संशय भी रहेगा कि जब बुध पराक्रम में नीचस्थ विराजत और वो भी 17 दिनों के लिए पोजीशन बन रही होगी तो भाग्य का सपोर्ट कैसे बना, क्योंकि बुध सातवीं दृष्टि से यहां भाग्य भाव को तृतीय त्रिकोण को देखने वाले हो गए। देव गुरु बृहस्पति जिनकी दृष्टि में अमृत है भले ही नीचस्थ हो किंतु पराक्रमेश होके ये भी भाग्य भाव को देखने वाले हो गए, तो जो भी वित्त और वाणिज्य संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव हस्तक्षेप रखते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड के साथ में रहते हैं, उनके लिए ये समय महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिहाजा बहुत अच्छा कहा जा सकता है। किसी भी स्तर के ऊपर आप राइटिंग के फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, यहां आप कोई भी नए ऑफर को स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। वहीं भाइयों के साथ में किसी भी तरीके का छोटे मोटे स्तर का वैर विरोध गृहस्थ जीवन की वजह से नहीं बनते, ये भी आप स्मृतियों में रखिएगा। मित्रों के साथ कोई भी नए कामकाज की अगर शुरुआत करनी है, याद रहे कोई नए कामकाज की शुरुआत करनी है तो वहां पर भी ठहराव की आवश्यकता आपके लिए पुरजोर तरीके से रहने वाली है। चतुर्थ भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो यहां आप देखिए कि 17 दिनों के लिए सूर्य की स्थितियां उच्चस्थ, जो भी हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनको इस समय अंतराल में बहुत ज्यादा केयरफुल होकर चलने की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि सूर्य हृदय स्थान में विराजित होकर हृदय को उद्वेलित करने वाले होते हैं। ये बात दीगर है कि उच्चस्थ स्थितियों में विराजमान रहेंगे इसलिए उस लेवल के डिस्टर्बेंसेज नहीं है, किंतु फिर भी ख्याल रखकर चलें। नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी कामकाज की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं और वो कामकाज
आज लोन फ्री है, जहां कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगी, आप उस स्तर के साथ में बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। लोन फ्री की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि सस्तेश आप देखिए कि पराक्रम के भीतर विराजमान नीचस्थ स्थितियों के अंदर, तो यहां फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचना चाहिए। 24 अप्रैल के बाद में ऐसा कोई भी निर्णय आप लेना चाहते हैं उस और गंतव्यशील हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत और परेशानी उस लिहाजा नहीं है। तो वहीं माता के साथ में कोई भी दुराव की स्थितियां सामने नहीं आए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कामकाज में कंफर्ट जोन मुश्किल से बनेगा, संघर्ष किंतु सकारात्मकता के साथ में, संघर्ष किंतु नाम के साथ में, संघर्ष किंतु अर्थतंत्र की व्यवस्थित स्तर के साथ में दिखाई देगा। ये एक महत्वपूर्ण पोजिशन आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं पंचम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो शुक्र पूरे ही महीने में यहां पर स्वराशि स्थान में विराजमान, योग कारक स्थितियों को बनाते हुए दशमेश एक तरह से पंचम में विराजित जब रहेंगे, तो प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर जो भी महानुभाव फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज, जहां प्रेजेंटेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा कोई भी कार्य विशेष क्षेत्र, होटल मैनेजमेंट की स्टडीज के अंदर अगर आप जुटे हुए हैं, तो यहां पर आपके अर्थतंत्र की सक्रियता के माध्यम बन सकते हैं। यानी कि कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद में जॉब की पोजीशंस की ओर हमने जाना शुरू कर दिया, ये एक महत्वपूर्ण पहलू यहां आपके समक्ष रहने वाला रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई भी दोराय नहीं है। एक बात तो ये, वहीं पर आप देखें कि भले ही 7.5 का अंतराल है, किंतु शेयर मार्केट में जहां एनालिसिस और इंट्यूशन स्पेकुलेशन दोनों की ही रिक्वायरमेंट रहती है, उस क्षेत्र विशेष के अंदर यहां भाग्य सहयोगी स्थितियों के साथ में बना हुआ है, तो वहां पर आकस्मिक धन लाभ की आशा अपेक्षा की जा सकती है। कई बार व्यक्ति एक तरह से आज इन्वेस्ट करता है और लंबे समय के बाद में उसको जो लाभ होता है वो आकस्मिक से भी बहुत ऊपर के स्तर का होता है, तो ऐसा निवेश करने की ओर आप फॉर श्योर पोजीशंस के साथ में जाने का कार्य कर सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई दोराय या नेगेटिविटी वाली बात नहीं है। किंतु संतान पक्ष के साथ में कम्युनिकेशन गैप निकल कर नहीं आए, छोटी छोटी बातों की वजह से डिस्टर्बेंसेस नहीं हो, ये भी हमको स्मृतियों में रख कर चलने की दरकार निरंतर तौर के ऊपर रहेगी ही रहेगी, ये आप ख्याल कर चलते चले जाइएगा। वहीं अगर मैं 6th हाउस की चर्चा करता हूं तो आप देखिए कि ऋण कोई भी महत्वपूर्ण स्तर पर लेना है उसको थोड़ा सा सोच और समझ कर ही लेना चाहिए, उससे अगर आप बचते हैं तो ज्यादा बेटर अप्रोच आपके लिए रहेगी। वहीं शत्रु यहां परेशान नहीं करने वाले हैं, अगर वो कोई भी डिप्लोमेसी के साथ में चल रहे हैं, अगर वो कोई भी कॉन्स्पिरेसी की पोजिशन आपके लिए क्रिएट करना चाहते हैं, भले ही ऑफिस कल्चर हो या कोई दूसरी जगह, वो नियंत्रण में रहने वाले रहेंगे। तो वहीं जो स्नायु तंत्र की निर्बलता होती है, नसों संबंधित जो रोग होते हैं वो परेशान कर सकते हैं। वहीं पर जो रक्त संबंधी विकार हैं, क्योंकि मंगल उच्चस्थ हैं और कई बार उसके प्रभाव को तेज करने वाले होते हैं, हृदय भाव में सूर्य विराजमान है, तो ऐसे स्तर के साथ में रोग संबंधी स्थितियों से थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास करें। किंतु कोई पुराना रोग पनपा हुआ था उसको प्रॉपर बेसिस के ऊपर ट्रीटमेंट के साथ में सही करना है, तो उस लिहाजा भी इस समय बहुत बेहतर आपके लिए कहा जा सकता है। सप्तम भाव, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति, व्यापारिक लेवल के ऊपर कॉन्फिडेंस तो रहेगा किंतु व्यापारिक साझेदारियों के अंदर बहुत ज्यादा सोच और समझ की आवश्यकताएं आपके लिए यहां रहने वाली है। मैंने पहले भी कहा था कि सर्विस इंडस्ट्री के साथ में ये समय विशेष बहुत बेहतर स्थितियों को आपके लिए लेकर आने वाला हो सकता है। फाइनेंशियल गेन इस महीने के अंतिम अंतराल के साथ में गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में जॉब है या फिर बिजनेस की पोजिशन उस लिहाजा चल रही है, तो एक तरह से 16 से 30 अप्रैल का जो ये समय अंतराल है, नए ऑफर्स के साथ में आपको गतिमान करने वाला हो सकता है। यहां कहीं भी कोई दुराई की पोजीशंस नहीं दिखाई देती, किंतु गृहस्थ जीवन के साथ में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट आपके लिए यहां रहने वाली है। संशय नहीं पनपे, हम कहीं पर भी रिएक्टिव नहीं हो, उनके साथ में व्यापार चल रहा है या उनके एक तरह से जो मायका पक्ष होता है उसके साथ में कोई भी व्यापारिक गतिविधियां चल रही है, वहां कहीं पर भी डिफरेंसेस नहीं आए या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तो आप अपनी राय को थोड़ा सा संतुलित करके रखें, क्योंकि जब व्यक्ति घर परिवार के साथ में संतुष्ट होकर बाहर निकलता है तो प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत कुछ हासिल करने वाला होता है। ये एक महत्वपूर्ण स्तर है आपके लिए। अष्टम भाव, अष्टमेश यहां पर चतुर्थ भाव में रिसर्च संबंधी कामकाज, सोलर संबंधी कामकाज, वहीं इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कोई भी कामकाज या फिर भूगर्भीय व्यवस्थाओं के साथ में अगर आप अपनी जॉब की पोजीशंस को खंगाल रहे थे,
तो यहां आप खुद के लिए बेहतर अवसरों को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे और वहीं से कर्मशीलता, अर्थ के प्रयोजन भी बेहतर तरीके से सामने आ रहे हैं। अगर आप मेटल संबंधी कामकाज में कहीं पर भी निवेश करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जोड़कर आप अपने उस कार्य विशेषक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यू कैन मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, वहां पर भी आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। किंतु जो एक तरह से विदेश संबंधी कामकाज जुड़ा होता है आपके लिए और वो भी टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन अप्रोच के अंदर, वहां तेजी आने की संभावना इस महीने के द्वितीय अंतराल और दूसरे पखवाड़े के साथ बहुत अच्छे से रहने वाली है। भाग्य भाव, भाग्येश, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि पराक्रम भाव में विराजमान, तो यहां आध्यात्मिक चिंतन बहुत अच्छे से पनपेगा। यहां पर राइटिंग के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज आपको नाम देने वाला होगा। हायर एजुकेशन के साथ में चलते हुए आप खुद के लिए नई संभावनाओं को तलाश कर पाएंगे। ये समय तो वहीं पर जो पूर्व में हमने अनुभव इकट्ठे किए थे वो भी आपको नेक्स्ट लेवल की ओर लेकर जाते हुए बहुत बेहतर तरीके से दिखाई दे रहे हैं। इसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। मैं वहीं अगर दशम भाव की चर्चा करता हूं तो आप देखिए कि दशमेश स्वयं यहां पंचम भाव में विराजित हैं। तो सबसे पहले तो जो भी मानुभाव मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, बुध की पोजीशन भी और वहीं शुक्र की पोजीशन भी, वहां एक बेहतरी आपके लिए रहेगी। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में अगर आपका व्यापार चल रहा था और लंबे समय से उसके अंदर कहीं पर भी हमारे लिए एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं आई थी, ये समय अंतराल वहां पर भी आपको एक तेज मूवमेंट के साथ में लेकर चल सकता है। वर्किंग एक्सपर्टीज की वजह से नए ऑफर आने की संभावनाएं भी यहां पर रहेंगी, विशेषकर टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के भीतर की स्थितियों के साथ में। इच्छा शक्ति की कमी नहीं और इच्छा शक्ति के साथ ही साथ में स्मार्ट वर्किंग अप्रोच चलेगी। अगर आप काम को टालने की ओर नहीं जाते हैं तो वहां पर भी संभावित स्थितियां एक बहुत बेटर लेवल को निर्मित करते हुए दिखाई दे रही हैं। चर्चा एकादश भाव की, यहां आप देखिए कि एकादशेश जो स्वयं है वो राशि स्थान के भीतर विराजमान है। 3-11 का संबंध यहां पर बना हुआ है और वो भी मंगल उच्चस्थ स्थितियों में विराजित, तो इसी वजह से जो एक महत्वपूर्ण स्तर दिखाई देता है जीवन के सर्वांगीण लाभ 7.5 के इस अंतराल के भीतर भी आपके लिए निकल कर आएंगे। सर्वांगीण लाभ का आशय क्या है ये समझने की आवश्यकता बहुत अच्छे तरीके से है कि जब संतान पक्ष के साथ में कम्युनिकेशन गैप आया किंतु अंततोगत्वा उन्होंने आपकी बात मानी और सही रास्ते की ओर निकल चले। हम खुद को सही प्रूव नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि संतान सही रास्ते की ओर चलना शुरू कर दे, तो वहां एक बेटरमेंट निकल कर आया। हमने जो व्यापार के अंदर निर्णय लिए हम नहीं चाहते कि इंस्टेंट बेसिस के ऊपर वो बेनिफिट दे, किंतु लॉन्गर टर्म की अप्रोच के अंदर वो फायदा निकल कर सामने आए वो एक स्थिति। हम ये नहीं चाहते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर एक दिन में निवेश करें और वो हाथों हाथ हमको वृद्धि दे, किंतु हम ये चाहते हैं कि लंबे समय के अंतराल के अंदर वो हमको सर्वांगीण लाभ की ओर लेकर चलने वाले हों। हम ये कतई नहीं चाहते कि स्वास्थ्य की स्थितियां हमेशा क्षुण बनी रहे, उम्र जैसे जैसे बढ़े हम अपने स्वास्थ्य के इंडिकेशंस के बारे में बहुत अच्छे से जान पाएं। हम कतई ये नहीं चाहते कि हमारे पराक्रम के अंदर पूरी वृद्धि ही रहे और हम कभी भी झुकने के साथ में नहीं चलें। हम ये चाहते हैं कि जहां पर जिस स्तर पर जैसे व्यवहार की आवश्यकता है सर्वांगीण लाभ के साथ में वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहे। हम ये कतई नहीं चाहते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र विशेष के अंदर भाग्य की ऊर्जा हमारे साथ बनी रहे, किंतु जब हम कर्मशील रहें तो एक दिन ऐसा आए कि जहां पे भाग्य नव निर्माण करने की स्थितियों के साथ में हो। हम ये नहीं चाहते कि शिक्षा एक दिन के अंदर सारे के सारे बेनिफिट देने वाली हो, किंतु जब हम पूरे तरीके से शिक्षा की स्थितियों को मां शारदा की वंदना करते हुए चलें तो एकादश भाव की जब ये स्थितियां हो और 3-11 का संबंध हो तो हमारे द्वारा किए गए कार्य का पूरे तरीके से प्रारब्ध की स्थितियों के साथ में जुड़कर बेनिफिट मिले, ये स्थिति हम नितांत तौर के ऊपर चाहते हैं और वही संभावनाएं ऊर्जावान स्तर के साथ में आपके समक्ष उद्घाटित होती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं अगर मैं द्वादश भाव की चर्चा करता हूं तो केतु यहां उच्चस्थ होकर मोक्ष कारक स्थितियों को निर्मित करते हुए आपके लिए एक अलग लेवल का बेनिफिट क्रिएट कर रहे हैं। आध्यात्मिक चिंतन बहुत अच्छे से पनप पाएगा, वहीं आप अपने जीवन को नई दशा और नई दिशा भी देने वाले रहेंगे, इसमें कोई भी दुराई नहीं है। किंतु खर्चों के ऊपर आप नियंत्रण स्थापित करके चलते चले जाइएगा। तो यह था मकर राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2020 का मासिक राशिफल। ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हम समय दर समय हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।